तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको धनिया लगाने का तरीका बताएंगे जो 3 दिन के अंदर अंदर ग्रोथ करेगा इंशाअल्लाह के हुक्म से। इस तरह आपने एक डब्बा ले लेना खाली सा और ये सुराख निकाल लेना है, ठीक है। बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, कोई सा भी डब्बा ले लें, प्लास्टिक का या गमला भी आप ले सकते हैं पौधों वाला। इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी भी आपको चेक करेंगे, भालू मिट्टी डालनी है, आम मिट्टी नहीं डालनी है। अगर आम मिट्टी डालनी है उसको पीस के उसके अंदर गोबर मिक्स करके तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ये हमारी मुर्गियाँ हैं, जब तक मिट्टी तैयार हो जाती है मैंने बोला आपको अपनी मुर्गियाँ भी चेक करा दूँ। ये हमने डब्बे में मिट्टी डाल दी है, कैसे बारीक बारीक है, और उसमें गोबर भी हमने मिक्स कर दी है। तो तरीकाकार मैं बताऊंगा किस तरह आपने पहले पानी लगाने फिर बीज डालने। ये देखें धनिया के बीज, धनिया साबुत धनिया, ये इसको सुबह आप लोगों ने भिगो देना है और शाम को जो है लगा देते हैं पानी में भिगो। अगर आपने 3 दिन के अंदर इसकी काश चाहिए तो आपने इसको भिगो के रखना है, सुबह भिगो देने और शाम को जो है ना इस तरह मिट्टी तैयार करके और उसके बाद आपने लगाने, कैसे लगाने वो भी तरीका बताता हूँ मैं। ये बीज लगाने से पहले इसमें आप पानी डाल दें हल्का हल्का ऐसे ऐसे, ये इस तरह आपने पानी डालना है, क्योंकि बीज जैसे हमने लगाएंगे अगर बाद में आप लगा देंगे तो बीज सारे आगे पीछे हो जाएंगे। तो अभी बीज लगाने का प्रोसेस बताते हैं आपको। तो आपने अंगली की मदद से इस तरह लेने लगा दें, लेने इस तरह लेने लगा दें अंगली की मदद से। इस तरह लेने लगा लें आप और इसमें जो है ना आपने थोड़े थोड़े बीज डालते जाएं, ये इस तरह बीज डालते जाएं। ये इंशाल्लाह 3 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसीजर अपना तैयार हो जाएगा प्रोसीजर हमारा। और उसके बाद दोबारा पानी लगाना, कैसे लगाना वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद पानी हमें डायरेक्ट नहीं ऑन डालना है, शावर की मदद से पानी देंगे। ये इसी तरह जो है ना बीज आपने डाल देना और ऊपर हल्का हल्का ऐसे हाथ फेर रहा है। ये देखें नाज़रीन हमने बीज लगा दिए, अब उसके हल्के हल्के हाथों से जो है इस तरह बीजों को आपने छुपा देना है, ऊपर हल्के हल्के हाथों से मिट्टी दे देनी है, ज़्यादा जो है ना इसको नहीं दबाना है आपने। ये देखें मैंने हल्के हाथों से जो है ना बीजों को बिल्कुल छुपा दिया है। इसके बाद पानी कैसे देना है वो भी मैं बताता हूँ, उस हिसाब से आपसे आपने पानी देना है। ये एक शावर ले लेना इस तरह, ठीक है। ये शावर की मदद से आपने इसके ऊपर पानी डालना, डायरेक्ट जो है ना लोटे से या जग से गिलास से आपने पानी नहीं देना है। ये इस तरह देना आपने पानी, और नमी आपने इसको बरकरार रखनी है, नमी आपने सूखने नहीं देनी इसमें। ये इस तरह आपने देना पानी, ये देखें ये इस तरह आपने पानी देना है। डायरेक्ट ऑयलने वाला पानी वो हम नहीं देंगे। ये इस तरह आपने सुबह शाम दोपहर जो है ना, और इस जगह ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे छांव और धूप बराबर मकदार में लगती रहे, ठीक है। नाज़रीन ये देख रहे हैं पानी लगाने का तरीका, ये इसी तरह आपने शावर की मदद से पानी देना है। नमी इसकी बरकरार रखनी है, बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना वरना आपका बीज ज़ाया हो जाएगा।
चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें लाजमी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ये 3 दिन के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि धनिया हमारे कहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाता है। मिलते हैं 3 दिन के बाद नई वीडियो के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकअल्लाह।